ना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। जैसा कि हम जानते हैं 4 तारीख को मतगणना की कार्रवाई की जाएगी और ये कार्रवाई सुबह 8 बजे से प्रारंभ होगी। विधानसभा और इसमें यही फर्क है, विधानसभा में 8 बजे पोस्टल बैलेट्स की गिनती चालू हुई थी। पोस्टल बैलेट केवल आरओ की जगह पर गिने जाएंगे, मतलब शाहजहांपुर में, रायसेन में और खंडवा, यहाँ पर पोस्टल बैलेट्स की गिनती नहीं है। तो हमारे यहाँ ईवीएम के राउंड ऑटोमेटिकली 8 बजे ही शुरुआत हो जाएगी। हम यदि राउंड्स की देवास और खातेगांव इन तीनों में 21 राउंड में काउंटिंग की जाएगी और बागली में 22 राउंड में काउंटिंग राउंड थी तो 290 मशीन काउंटिंग के लिए आएंगे और बागली में 297 हमारे मैक्सिमम जगहों पर एक समझाइश देने के बाद लोग मान गए और अगर उन पोलिंग बूथ्स पे बाकियों की तुलना से भी अधिक मतदान। तो पहला पॉइंट था कि सबको बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरा, मतदान का प्रतिशत इतना हुआ है, पिछले कुछ दिनों में सोशल मीडिया में बड़ा घमासान मचा रहा है। इस चालू अलग अलग कलर कोडिंग दी है जो हमारे रनर्स हैं जो लेकर आएंगे मशीनों को स्ट्रॉन्ग रूम से काउंटिंग हाउस तक, ताकि किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन ना हो। बता दिया गया है कि प्रत्येक टेबल पर, देखिए 14 टेबल है पर विधानसभा, प्रत्येक टेबल पे वो एक एजेंट को नियुक्त पर पॉलिटिकल पार्टी या कैंडिडेट कर सकता है। देवास में 70.14%, हाट पिपलिया में 76.29%। मैक्सिमम न्यूज़पेपर्स में भी आ गया था बट फिर भी हम एक बार रिपीट कर दें कितना मतदान प्रतिशत हुआ है। यदि हम देवास संसदीय क्षेत्र की बात करें तो सोनकच्छ में 76.57%, देवास में 70.14%, हाट पिपलिया में 76.29%। एक एक्स्ट्रा सीयू है, एक सीयू खराब हुई थी तो एक एक्स्ट्रा सीयू रहेगी, तो 290 की जगह 291 सीयू आएंगी हमारी। देवास में 292 हमारे पोलिंग बूथ थे, एक भी सीयू खराब नहीं हुई, उसके लिए मैं बिहारी सिंह को बधाई, तो 292 की सीयू आएंगी। हाट पिपलिया में 252 आए थे कि भीड़ बहुत हो रही है, उसमें तत्काल हमारे सेक्टर अधिकारियों ने जो रिजर्व हमारे पोलिंग पार्टी होती है उनको बूथ पे बिठा दिया, स्पेशली ऐसे बूथ पे जहाँ पर 1200 से अधिक मतदान थे, तो वहाँ पर भी समय रहते हमारा चुनाव पूरा हो गया। कुछ एक इश्यूज आए थे हमारे, 5% मतदान हुआ है। हम खंडवा की बात करें तो बागली विधानसभा क्षेत्र में 74.27% मतदान, इस 14 टेबल्स रखे गए तो हर राउंड में 14 मशीनें आएंगी, उनकी काउंटिंग होगी, मशीनें काउंट होने के बाद रखी जाएंगी और उसके बाद नई मशीन आएगी। तो इस बार राउंड की हम बात करें तो हार्ट पिपलिया में हमारे न्यूनतम 18 राउंड में काउंटिंग हो रही है। सोनकच्छ, देवास और खातेगांव इन तीनों में 21 राउंड में काउंटिंग की जाएगी और बागली में 22 राउंड में काउंटिंग। बहिष्कार की बात है, मैक्सिमम जगहों पर समझाइश देने के बाद लोग मान गए और अगर उन पोलिंग बूथ्स पे बाकियों की तुलना से भी अधिक मतदान। तो पहला पॉइंट था कि हम खंडवा की बात करें तो बागली विधानसभा क्षेत्र में 74.27% मतदान गिनती नहीं है तो हमारे यहाँ ईवीएम के राउंड ऑटोमेटिकली 8 बजे ही शुरुआत हो जाएगी। हम यदि राउंड्स की बात करें तो प्रत्येक विधानसभा के 14 टेबल्स रखे गए हैं तो हर राउंड में 14 मशीनें आएंगी, उनकी काउंटिंग होगी, मशीनें काउंट होने के बाद रखी जाएंगी और उसके बाद नई मशीन आएगी। एक ले आओ पहचान के, हम उस पर अलाउ करेंगे, हम उस पर हम अडिग रहे। इसके अलावा इक्का दुक्का फोन कॉल्स आए थे कि भीड़ बहुत हो रही है,
उसमें तत्काल हमारे सेक्टर अधिकारियों ने जो रिजर्व हमारे पोलिंग पार्टीज होती हैं उनको बूथ पे बिठा दिया, स्पेशली ऐसे बूथ पे जहाँ पर 1200 से अधिक मतदाता थे, तो वहाँ पर भी समय रहते हमारा चुनाव पूरा हो गया। कुछ एक इश्यूज आए थे हमारे, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किए और आपने जो तमाम निर्देश हैं वो भी दिए हैं, जो करने वाले हैं वो सब बताया भी, क्या पूरा विषय है, किस तरह से काउंटिंग को लेकर प्रशासन की तैयारी। जैसा कि हम जानते हैं 4 जून को लोकसभा चुनाव की काउंटिंग संपन्न होनी है। देवास ज़िले में सुबह 8 बजे से ही ईवीएम के राउंड्स चालू हो जाएंगे। 5 विधानसभाओं की काउंटिंग बीएनपी परिसर के केवी में होगी। यदि हम राउंड्स की बात करें तो हाट पिपलिया में 18 राउंड्स, इसके अलावा सोनकच, खातेगांव और देवास में 21 राउंड्स और बागली में 22 राउंड्स में काउंटिंग की जाएगी। इससे पहले हमारे पॉलिटिकल पार्टीज के साथ भी डिस्कशन हो गया है किस प्रकार से एजेंट्स नियुक्त किए जाने हैं, कैसे उनके आई कार्ड्स वितरण किए जाएंगे, कहाँ से उनकी एंट्रीज रहेंगी और कहाँ कहाँ पर मूवमेंट अलाउड रहेगा, ये सब बातें आज डिटेल में बताई गई हैं। यदि हम सिक्योरिटी की बात करें तो बीएनपी परिसर में 3 लेयर्ड सिक्योरिटी राइट फ्रॉम द डे जब हमारी मशीन्स स्ट्रॉन्ग रूम में जमा हुई थी तब से लगी हुई हैं। ये सिक्योरिटी इसी प्रकार टाइट रूप से मतगणना के दिन भी रहेगी। हमारा प्रयास है कि देवास ज़िले में बहुत शांतिपूर्ण ढंग से काउंटिंग पूरी हो। इसके अलावा शहर में 3 मेजर पॉइंट्स भोपाल चौराहा, जवाहर चौक, सयाजी गेट, तीनों पर बड़ी स्क्रीन्स भी लगाई जाएंगी ताकि आम जन के लिए भी सुविधा हो, किसी को बीएनपी तक ना आना पड़े। वहां पर हर राउंड के बाद काउंट जो रिजल्ट्स होंगे उसकी अनाउंसमेंट्स की जाएंगी और वहां पर क्या इन जनरल इलेक्शन के रिजल्ट्स चल रहे हैं उनको भी दर्शाया जाएगा। सर, फाइनल रिजल्ट का अनाउंसमेंट कहाँ से होगा, कौन आरओ करेंगे और जो है कितना जो है कर्मचारी अधिकारी अभी ड्यूटी में यहाँ पर तैनात रहेंगे? लगभग 1000 कर्मचारी उस दिन ड्यूटी पर तैनात रहेंगे। साथ ही यदि हम बात करें रिजल्ट्स के अनाउंसमेंट की, तो यदि हम 5 असेंबलीज की बात करें, 3 असेंबलीज हाट पिपलिया, देवास और सोनकच, इनका रिजल्ट का अनाउंसमेंट शाहजहाँपुर में होगा। बागली हमारी जो असेंबली है उसका अनाउंसमेंट खंडवा में होगा और जो हमारी खातेगांव असेंबली है उसका अनाउंसमेंट रायसेन में किया जाएगा। सर, आम लोग जानना चाह रहे हैं कि अगर वो स्क्रीन पर जब देखने जाएंगे तो काफ़ी गर्मी है और तापमान भी ज़्यादा, तो वहाँ टेंट और पानी की व्यवस्था उनको मिलेगी चौराहे चौराहे? जी बिल्कुल, आम जन के लिए 3 जो स्क्रीन्स लगा रहे हैं वहाँ पर रहेगी, टेंट की व्यवस्था, कूलर्स की व्यवस्था, ठंडक की व्यवस्था, ठंडे पानी की व्यवस्था, साथ ही जो हमारे मीडिया के साथी हैं, जो हमारे इवन एजेंट्स वहाँ पर रहेंगे, सबके लिए कूलर की व्यवस्था, ठंडे पानी की व्यवस्था, ये देखते हुए कि बहुत गर्मी है, लू से बचाव की संपूर्ण व्यवस्थाएँ रहेंगी। ठीक है,